यार मुसलमान कहते हैं कि मुसलमान जानवर खाते हैं और जानवर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, एकदम वायलेंट। मैं कहता हूँ, मैं मानता हूँ कि आज की रिसर्च कहती है जो चीज आप खाते हैं वो आपके जिंदगी पे असर करता है। आप कहते हैं कि हम जानवर खाते हैं, जानवर की तरह बर्ताव करते, इसीलिए इस्लाम में हमें सिर्फ अमन पसंद, सलामती पसंद जानवर खाने की इजाजत है। भेड़, बकरी, गाय जो सलामती चाहते हैं, क्योंकि हम सलामती वाले इंसान हैं। हमें वायलेंट जानवर जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, बब्बर शेर, शेर वगैरह खाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हम अमन पसंद लोग हैं, अमन पसंद इंसान हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह आराफ सूरह नंबर 7 आयत नंबर 157, सूरह हशर में सूरह नंबर 59 आयत नंबर 7 में कि जो चीज अल्लाह के रसूल आपको कहते हैं फर्ज वो आप करो, और जो चीज आपके लिए कहते हैं हराम है उससे दूर रहो। अल्लाह के रसूल की बात मानना, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बात मानना हर मुसलमान के लिए फर्ज है। हर मुसलमान को अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की बात मानना फर्ज है। जो अल्लाह के रसूल को नहीं मानता वो मुसलमान ही नहीं है। और अल्लाह के रसूल ने ये कई अहादीस में लिखा है, सही मुस्लिम में हदीस नंबर 4752 और इब्ने माजा की हदीस नंबर 3232 और हदीस नंबर 3234 में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कई जानवर हमारे लिए हलाल हैं। मिसाल के तौर पर वो जानवर जिनके नौकीले दांत हैं, मिसाल के तौर पर बिल्ली, शेर, चीता, बब्बर शेर, कुत्ता, वुल्फ, ये हराम हैं। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि चूहा, माइस, वो खरगोश जिसके नाखून है वो हराम है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि सांप, एलिगेटर, मगरमच्छ हराम है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं वो परिंदे जिसके नौकीले नाखून है, मिसाल के तौर पर कौवा, उल्लू, वल्जर, ये सब हराम है। तो जो अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि हमारे लिए हराम है वो हराम है, और जो हलाल फरमाया है वो हमारे लिए हलाल है। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है अरुमा गुप्ता, मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे, और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज है या नाजायज है? इनका अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है या नहीं? सबसे पहले कुछ शराइत है हर चीज की। आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया साइकिल का रखेंगे और एक पहिया ट्रैक्टर का रखेंगे तो गाड़ी चलेगी क्या? या चारों साइकिल के हों या चारों ट्रैक्टर के कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक के वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी और को पूजते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनबिया में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह अनबिया की सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुबहाना व ताला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं करेगा, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर आप उसको गाली देंगे ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे, उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे, ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, तो इजाजत नहीं है। जहाँ तक सवाल है कि आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है, अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो वो नमाज कहीं भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सारी दुनिया, सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है, यानी सारी दुनिया आप कहीं भी नमाज पढ़ सकते हैं, देखना चाहिए कि जगह साफ है, हम नमाज पढ़ सकते हैं।
तो ये आप जाके अगर हिंदू के घर में जाते हैं और वो साफ है, कोई मूर्ति आगे नहीं है, नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है, जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते हैं। शादी करने की जरूरत नहीं है नमाज पढ़ने के लिए, अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए ये शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहब की किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, वहाँ मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है, उस ईश्वर, उस भगवान, उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम अज कम जो यकसा है हिंदू और इस्लाम की मजहबी किताब में, कम अज कम उसके ऊपर अमल कर ले तो अक्सर हमारी मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यकसा नहीं है उनको कल डिस्कस कर सकते हैं। अगर आप तहकीक करते हैं हिंदू मजहबी किताब पढ़ते हैं और इस्लाम की मजहबी किताब पढ़ते हैं, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूँ और मैं तकरीर एक दिया हूँ, सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में इंसानियत दोनों किताब में है। आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माईदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखा है सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरत नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह इनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145, सूरह नहल सूरह नंबर 16 और आयत नंबर 115 में कि आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सूअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है। आप अगर हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है कि सूअर का गोश्त खाना हराम है। अगर आप तहकीक करेंगे काफी यकसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए, उसका जिस्म सिर्फ जो दिख सकता है चेहरा और हथेली तक है। आप अगर हिंदू मजहब की किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है, ऋग्वेद बुक 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सर के पल्लू को डालना चाहिए चेहरे पर। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द देखे तो नजर नीची करना चाहिए। कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शौहर या करीबी रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे, जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो, उसके ऊपर अमल करो। तो यकसानियत है हिंदू और इस्लाम मजहब में, जो मजहबी किताब में लिखा है। लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूँ, मैं कोई आलिम नहीं हूँ, मैं कोई पंडित नहीं हूँ, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूँ, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूँ, किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है, या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेज भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। सो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें डॉक्टर जाकिर नायक साहब ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमें बताया कि कौन से जानवरों का गोश्त खाना हमारे लिए हलाल है और कौन से जानवर हमारे लिए हराम करार दिए गए हैं अल्लाह ताला की जानिब से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक। इसके अलावा दोस्तों, जिस तरह से एक लड़की ने सवाल किया कि क्या मुसलमान लड़का जो है वो हिंदू के घर में इबादत कर सकता है, तो मुसलमान के लिए अल्लाह ताला ने सारी जगह ही मस्जिद बनाई है, बशर्त ये कि वो जगह पाक साफ हो। लेकिन शादी करने के लिए जरूरी है कि दोनों का ईमान हो, यानी दोनों ही मुसलमान हो, तभी शादी हो सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो के आखिर में दोस्तों आपसे ये गुजारिश करेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिएगा।